मरना मंजूर है, हमारे नाश मत मा लिया था। शराब के ठेके को हटवाने की मांग को लेकर हासी के समीप गांव पुट्ठी मंगल खां के लोगों में गुस्सा फूटा है और सूचना पाते पुलिस की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि गांव के बीच में शराब का ठेका नहीं रहने देंगे। लोगों का गुस्सा साफ तौर पर आपको दिखाने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों पर आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं हासी के समीप गांव पुट्ठी में और पुट्ठी की तस्वीर यह रही है कि गांव पूरा सड़क पर आ गया है और रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। घर से यानी कि कहें तो हर घर से बच्चे बूढ़े नौजवान ये महिलाएं सभी सड़क पर आ गई हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो शराब का ठेका खुला हुआ है इसको बंद करने की मांग की जा रही है। ये पूरी तस्वीर दिखा रही है, काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी है, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी हैं, सब सड़क पर आ गए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर शाम के समय दारू पीकर यहाँ उड़ंगबाजी की जाती है, कहीं ना कहीं आने जाने वालों को भारी परेशानी होती है। इसको लेकर क्रोधित होकर ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया है और ठेके उठाने की मांग की है। आखिर क्या कहना है ग्रामीणों का, वो सुनाते हैं। अड्डा खप्पर, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, खट्टर खप्पर। दारू लेन लाग रहे न्यू को निठुआ जे इसने ठेका ने। तू क्यों यो का गांव फद्दू है के? हां दूर ठुआ दो गांव के अंदर। हमने रहने देते बीच में ठेका नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। की भी और जनानी भी है, सारे दारू पी बंदे बुंडा बुंडा बोल रहे को शर्म नहीं है किसी ने। 500 रुपए कमा ले, 500 रुपए दे दे बर्क के काम है। गांव के बीच में हम तो यही चाहिए गांव तो बार हो ठेका और नहीं चाहिए। सरकार की के बीच में रहा है ये इतनी कोशिश नहीं करी हम। ठीक हमने 3 हफ्ते हो गए कोई कोशिश नहीं कर रहा, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। ठीक है हमने पहले भी कोशिश करी थी, अब लगी ठेका नहीं उठ रहा यहाँ से। ठीक है हमने बहुत महिला पहले भी इकट्ठी करी हुई थी और आप भी कर रहे हैं, हमने रोड जाम भी कर दिया फिर कोई समाधान नहीं हो रहा। ठीक है यो ठेका गांव से बाहर होना चाहिए, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हम सब जगह जाए हमारी कोई नहीं सुनाई हो रही। फिर भी उन्हें 4-5 दिन का टाइम लिया था, उन्हें 1 मिनट कितने दिन हो गए फिर भी उन्होंने कह रहे थे हम ताला लगा देंगे इस यहाँ से उठा देंगे, कोई हमारे समाधान नहीं हो रहा। सही बता रहे हम तो। ठीक है उनका टाइम दिया हुआ था हमारे बिहार वाले के पास गए थे हम, उसने टाइम दिया था फिर उसने कोई सुनाई नहीं करी हमारी। ठीक है एसडीएम के पास भी गए थे, उसने भी हमारी कोई सुनाई नहीं की। ठीक और उसके बाद वो कह रहे थे 4-5 दिन के अंदर ठेका उठ जाएंगे यहाँ से, या तो यहाँ से बाहर करवाएंगे या आगे पीछे करवाएंगे, फिर कोई समाधान नहीं हो रहा। दारू ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। दारू ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बस्ती है, मेन रोड है, पानी पात आड़े है, साइड में तालाब है, दलितों की बस्ती है। यहाँ पी के लोग उरे पीवे हैं, उरे हुड़दंग करे हैं। बहुत बार एफआईआर चारों चारों साइड के लोग परेशान है जो इसके साथ में बस्ती है, साथ में है।, है सब जगह घूम लिए, ब्याणा साहब के पास भी जा लिया, एसडीएम साहब के पास भी जा लिया, सब बोल रहे उठावांगे उठावांगे। आज 2 महीने हो गए कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना ठेका उठ रहा है। चारों साइड की बस्ती के लोग परेशान हो रहे हैं, हमारी जो बहन बेटी हैं लेडीज हैं वो सब परेशान हैं। हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा इस चीज़ का, आज मजबूर होके हमने रोड जाम करना पड़ा है ठेके का ताला। आज प्रदर्शन किया आपने? हाँ आज प्रदर्शन हमने मजबूर होके किया जी, क्योंकि हम चारों साइड घूम लिया, हमें कोई
हमारा समाधान नहीं बना। ब्याणा साहब ने भी नहीं किया, एसडीएम साहब ने भी नहीं किया, थाना में जाके हमने बोल लिया, हर जगह जा लिया हम, किसी ने हमारा कोई समाधान नहीं करा, ना किसी ने हमारी कोई सुनवाई करी। मजबूर है कि हमने आज रोड जाम भी करना पड़ा है और ठेका ही बंद करवाना पड़ेगा। तो ये रोड पर जो महिलाएं दिख रही है, आदमी दिख रही है, पूरे गांव के लोग हैं? पूरे गांव के लोग हैं जी, 36 बिरादरी के हर जाति के लोग हैं। ये आबादी से बाहर ठेका उठाने के लिए हमने जनवरी में एप्लीकेशन दी थी एक्साइज में, और ठेकेदारों से, एसडीएम साहब से, ब्याणा साहब से हम बार बार मिल चुके, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आज तो हमने पुलिस प्रशासन को बुलाया था यहाँ ये ठेका बंद करने के लिए, अब ये उठान कौन लग रहे, ठेकेदार भी हमारे को बार बार धोखा देने लग रहे हैं, 2 दिन का नाम लेके, 4 दिन का नाम लेके। तब पुलिस प्रशासन आया, इन्होंने अपना यहाँ लोग करवाया, आश्वासन दिया है अब भाई जल्दी से जल्दी यहाँ से उठवा देंगे। हाँ, गाँव वाले सारे गाँव के थे, 36 बिरादरी के आदमी थे, सभी को यहाँ ठेके में दिक्कत है जी। मेरा सुरेंद्र सरपंच है जी, पुठी मंगल गाँव तबार करो जी, ठीक है ये करो। 4 करोड़ रुपए लगा रखे, ये कहाँ जावे? तो 4 करोड़ लगाए थे, मैंने जवाब दिया भाई मेरे से पूछ के थोड़े लगाए थे, अगर 4 करोड़ लगाए तो पहले मेरे से पूछते, अब हम 4 करोड़ रुपए लगाऊं उठे का? नहीं, वो 4 करोड़ कितने काम आएंगे जी, उरा कोई आदमी मर गए तो जी हरियाणा सरकार और पुलिस वाले ये सारे जिम्मेवार हो गए जी, उरा अगर कोई नुकसान हो हरियाणा सरकार का भी ले सकते हो, ठीक है जी का भी ले सकते हो, लेकिन हाँ तो ये ब्याणा जब बड़े अधिकारी ये बोल रहे हैं कि एक्साइज का मामला है, ठीक है, ये तो उठान क्यों नहीं लग रहे, इतने लेट क्यों है जी ये? अगर रानीपुरिया ठेकेदार कहाँ का है, कौन है? रानीपुरिया क्या नाम उसका? सुंदर वर्मा। अच्छा, ठेके तोड़ो ना जाए, आखिरी दिन हमारा मेडिकल कटवा रखा, वीडियो दिखा दे तो पीट के गए, मार के गए, प्रचार करी मारे ऊपर, हम रो रो मर की मारी, कोई सुनाई नहीं हुई रे, ठीक की लड़ाई हम कह रहे थे वहाँ यार, तो ठेका रची है कि हम आग लगाएंगे और मर जाएंगे, सरकार की सरकार बनाई गई है, यदि उठा के तो बोतल बाहर मारेंगे पका के ना, हम ताला तोड़ देंगे, इसका ताला लुआ है, ताला के अंदर बाहर आओगी सारी बोतल, या तो इसका उठाओ और नहीं ऐसे मार दो, ले भैया बात मारी बात पकी है, चाहे मर सका हम, मैं ना मजदूर है, हमारे नाश मत मा लिया जमा, 7 साल हो गए रे, 7 साल होगी, ठेकेदार तक कई ठेकेदार के आदमी मार पर मिलाकर कजा बेटी मारे भी है, उरे नंगे नाचा सिट्टी मारे है, घर मारे भी सा, ये ठेका यहाँ से उठना चाहिए, सीधी बात है, हमने का ठेका है, मैं की दूर कर रहे हैं, ठेका है घर आपका, उनके खुद के परिवार कौन ठेका है, क्या खुद का परिवार होगा, अमीर है सब कुछ, गरीब का कुछ नहीं, राम राम की पुकार नहीं हो रही, इंस्पेक्टर ने कही यह बात है, जो 4 करोड़ मार के आपको गिरफ्तार करके पकड़ लेगा, उसने रिश्वत ले रखी, हमने नहीं ले रखी रिश्वत, ले रखी रिश्वत, रिश्वत खो रहे हो, रिश्वत खो रही है, मैं रिश्वत खो रहा हूं, ठेका बंद कराया है, आजमपुर ने सर, पुट्ठी मंगल काम है, किस मैटर को लेके, क्या मैटर है सर? ठेका बंद करवाने के लिए, गांव के बीच में है, कैसे है सर? गांव से तो बाहर है, और इनका लाइसेंस चेक करेंगे, जो गांव वाले की मांग बस्ती में